जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम संविधान से संबंधित और संविधान में अनुसूचित जनजातियों जातियों से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड करें। और जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं मैंने सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। और ये वीडियो आप तक सीमित ना रहे दोस्तों, इस वीडियो को अन्य मित्रों तक शेयर करना है। और ये आपको कर्तव्य अपना जो है भली भांति निभाना है कि ये जो वीडियो है पूरे लोगों तक, हमारे सभी मित्रों तक शेयर होना चाहिए और इसके नोट्स भी सभी तक शेयर होना चाहिए। और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह से आप पीडीएफ लिंक और नोट सारे के सारे प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुल्क नहीं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें और आगे पहुंचाते रहें, आगे शेयर करते रहें सभी लोगों तक, नोट्स और वीडियो सभी शेयर करते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लाइक कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो लाइक कर लें। जो भी हमारे मित्र नए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जुड़ने के लिए। और आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत काम के वीडियो है, नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी थी, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी और पीएससी से संबंधित है जितने भी क्वेश्चन एग्जाम है उनमें तो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें तीन धाराएं हैं, याद कर लेना। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो है 23 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं, याद करो इनको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब से प्रभावशाली हुआ? तो ये हुआ 30 जनवरी 1990 से, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार है, तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, अनुसूचित जाति अधिनियम का, याद रखो। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय है, तो धारा 4 के अंतर्गत जो वर्णित विषय है दोस्तों वो है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते आप, तो कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड है ना। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 37 अध्याय धाराएं हैं। घरेलू हिंसा स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं, इनको याद रखो। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ है? तो 13 सितंबर 2005 को ये पारित हुआ है अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ 2005 में, 13 सितंबर 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षी आदेश किस आधार पर पारित किया जा सकता है? तो वो शपथ पत्र के आधार पर ये आदेश जो है पारित किया जा सकता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों ये जो धाराएं हैं वो 70 धाराएं हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में धाराएं कितनी हैं? तो 70 धाराएं हैं, याद रखो। और किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत जमानत का प्रावधान रखा गया है किशोर की। विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन अधिनियम किस धारा में किया गया है? तो धारा 63 में किया गया है, धारा 63 में ये किया गया है। भिक्षावृत्ति हेतु किशोर अथवा बालक नियोजन किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा 24 में ये दंडनीय अपराध है। किशोर तथा बालक के प्रति क्रूरता है दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इस दंड का प्रावधान किया गया धारा 23 में। बचकर भागे हुए किशोर के संबंध में प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो धारा 22 में वर्णित है, किस धारा में वर्णित है? 22 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है, तो संपूर्ण भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम बना 1986 में बना, और इसका जो विस्तार है वो किस कहां है? संपूर्ण भारत में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 26 धाराएं हैं, याद रख लो। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है कब लागू हुआ था? तो 23 मई 1986 को लागू हुआ था, याद रख लेना। इनको क्वेश्चन पूछा जाता है कब लागू हुआ था, विकल्प में 23 मई 1986 दिया होगा, 23 अप्रैल 1986 दिया होगा, 23 जून दिया होगा और 23 मार्च दिया होगा, इस प्रकार से आपको याद रख लेना। तो 23 मई 1986 में ये शामिल
हुआ है। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का दायित्व तो किसका है, तो पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को जो है स्थापित करने का दायित्व है तो वो केंद्रीय सरकार का है, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का केंद्रीय सरकार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल अध्याय की संख्या है, तो ये जो संरक्षण बना अधिनियम बना 1986 में बना और इसमें अध्यायों की संख्या है दोस्तों तो 4। सूचना रिपोर्ट विवरणियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 20 में ये जो है वर्णित है, याद रखो इनको, धारा 20 में वर्णित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन किस धारा में किया गया, तो धारा 3 में किया गया है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया गया है, धारा 3 से 6 तक जो है केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये अधिनियम बना 1972 में, पूछा जाता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में बना, और कौन सी तारीख को बना, तो 9 सितंबर 1972 को ये लागू किया गया, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस प्रदेश में लागू नहीं है, तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व तो जीवों वनस्पतियों पक्षियों आदि के संरक्षण के लिए बनाया गया 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन्य जीव शरण स्थल में हथियार के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो धारा 31 में ये प्रतिबंध है। आप जो वन्य जीव संरक्षण स्थल है शरण स्थल है वहां पर हथियार लेकर नहीं जा सकते, ये प्रतिबंधित है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में वर्णित है, तो ये धारा 63 में वर्णित है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 63 में वर्णित है। मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो ये की जाती है धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत की जाती है। इसकी पीडीएफ भी आप ले लेना, है ना। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है, तो अंडमान एवं निकोबार जो है जनजाति को, यहाँ की जो जनजाति उसको आखेट का अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है तो दिल्ली में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग याद रख लेना, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में। मानवाधिकार अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो धाराओं की जो संख्या है दोस्तों वो 43 है। मानव अधिकार अधिनियम में धाराओं की संख्या कितनी है, तो 43। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अनुसार होता है, तो धारा 3 के अनुसार होता है। मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है वो धारा 3 के अनुसार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। जो सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति होती है इनके लिए कमेटी गठित की जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं प्रधानमंत्री साहब, याद रखना, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार सदस्यों की सेवा अवधि कितने वर्ष होगी, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश की जो है योग्यता होनी चाहिए, अगर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता है। संविधान ने जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 24 जून 1950 को, जनगणमन को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, सभी को पता है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अस्थाई अध्यक्ष भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे कि नहीं, वही थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा, प्यारा सा तिरंगा है हमारा, है ना। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। और संविधान राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ी का अनुपात है 3:2 है, हमेशा पूछा जाता है, पहले 3 आया फिर 2 आया, है ना, पहले 3 बाद में 2। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 15 थी, महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, है ना। संविधान सभा में संविधान के मूल पाठ में है तो क्या है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये मूल भाग में हैं, है ना, याद रख लेना। और अब कितने हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। किस अनुच्छेद में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 124 में है, याद रखो। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है तो 12 है। भारतीय संविधान को कहा जाता है तो अस्थाय कठोर, अस्थाय लचीला।
कौन सा उच्च न्यायालय की न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय माना जाता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख कितने नामों के रूप में किया गया है? तो दो नामों, भारत और इंडिया, दो नामों में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 24 है ए, बच्चों के शोषण से संबंधित है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार किन स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं? तो आपातकालीन स्थितियों में जो है निलंबित किए जा सकते हैं, और इसका अधिकार जो है वो किसे है? राष्ट्रपति जी को। मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 358 और 359 में किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत का शासन नहीं है, मतलब एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में किया गया, है ना। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, और संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? तो सन 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। आपको बताना है कि लघु संविधान जो है किसे कहा जाता है? लघु संविधान बताना जल्दी कमेंट के माध्यम से। संपत्ति का अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है, आपको पता होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो न्यायपालिका को माना जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जाती है, है ना, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, याद रख लेना, है ना, याद रखो। भारतीय संविधान में मूलभूत जो है अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत जो अधिकार है, अधिकार वो कहां से? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से। ये जो भी अमेरिकी संविधान में दिया गया है ये सरल तो है ना, हमेशा पढ़े हैं, लेकिन हमेशा पूछे भी जाते हैं यहां से क्वेश्चन कि हमारे संविधान में कहां से क्या लिया गया है, तो यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, आपको पता होगा। और भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? तो मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई दोस्तों वो दी गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई, और बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, बहुत ही ऊंची हस्ती थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होते हैं, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति साहब। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं है, किंतु वह यदि किसी पद पर हैं तो निर्वाचन के पश्चात उसे पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, अनुच्छेद 66(2) के अनुसार। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, याद रखना इसको, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का एक अभिन्न भाग होते हैं, संसद को राष्ट्रपति जी को मिलाकर ही संसद बनती है, तो अभिन्न भाग होते हैं संसद के। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से ये महाभियोग की विधि अपनाई गई अपने संविधान में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रख लेना, है ना। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है,
और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति जी के। भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सबसे फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, याद रख लेना। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो थे जेबी मावलंकर साहब। स्वतंत्र भारत की लोकसभा पहली लोकसभा के जो है अध्यक्ष थे, याद रख लेना। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो खत्म होते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपके लिए कहां तक महत्वपूर्ण है ये भी बताएं, और वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रहने देना है। मैंने पहले भी बोल चुका है कि ये नोट्स हैं, ये वीडियो है, अपने तक सीमित ना रहे, लाइक करें, शेयर करें, अपने लोगों तक बताएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी भी जो है तैयारी हो सके, उनको भी नोट्स प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।